किसान मोर्चा के आह्वान पर आज किसानों द्वारा शंभू बॉर्डर पर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का शहीदी दिवस मनाया गया। बता दें कि जब से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई है, तब से किसानों द्वारा हर उत्सव और कार्यक्रम का आयोजन आंदोलन स्थल पर ही किया जा रहा है। इस मौके पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फोटो पर किसानों ने फूल मालाएं व पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। किसानों ने बताया कि आज शहीदी दिवस के मौके पर वो शहीदों के पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरणा ले रहे हैं और उन्होंने कहा कि देश को आजाद करवाने के लिए हमारे शहीदों ने शहीदी दी, लेकिन देश तो आजाद हो गया, लेकिन किसान और मजदूर आज भी आजाद नहीं हैं। इसलिए आज वो देश को बचाने की प्रेरणा अपने शहीदों से ले रहे हैं। किसानों ने सरकार पर अपनी भड़ास निकालते हुए कहा कि सरकार किसानों की जमीन को छीनना चाहती है, जो वो कभी नहीं होने देंगे। बैठे ही आंदोलन पे हैं तो प्रोग्राम भी वहीं मनाया जाएगा। आज हमारे संयुक्त मोर्चे का दिल्ली से पूरे आह्वान था, पूरे भारत में जहाँ जहाँ भी मोर्चा लगा हुआ है और कोई गांव में मनाना चाहता है गांव में भी, तो वहीं पे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का शहीदी दिवस मनाया जाए और प्रेरणा लिया जाए उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए, आगे भी युवाओं को प्रेरणा दी जाए। इसलिए आज ही हम शहीदी दिवस मना रहे हैं कि देश आज़ाद कराने के लिए इन्होंने शहीदियाँ दी। देश तो आज़ाद हो गया पर आज तक किसान भी मजदूर आज़ाद नहीं हैं, क्योंकि सरकारें ऐसी आ रही हैं, ऐसे ऐसे कानून लेकर आ रही हैं जो किसान और मजदूर को ख़त्म करने पर तुली हुई हैं। इसलिए हमने यही प्रेरणा लेनी है युवाओं को, सुनना आज हमने देश बचाने की प्रेरणा लेनी है। आज किसान नहीं, आज देश को बचाने का, गरीब को बचाने का, मजदूर को बचाने का ज़रूरत है देश के अंदर। किसान तो ऑटोमेटिक बचेगा जब सारा देश बचेगा। आज पूरा देश बिकने को प्यार पर खड़ा है, बेच भी रहे हैं, कभी रेल बेच दी, कभी जहाज बेच दिया, तो पूरे देश को अंडानी अंबानी के हवाले करना जा रहे हैं और किसानों को की जमीन छीन के उनको देना चाह रहे हैं। इसलिए हमने आज ये हमारी जमीन नहीं हमने छीननी, नहीं हमने देश को बचाना है और देश को बचाएंगे। जब तक हमारे शरीर में सांस है तो देश के लिए हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे। मैं जिस दिन से ये आंदोलन चल रहा है उसी दिन से सब किसान अपना सुख दुख टोल प्लाजों पर और दिल्ली के बॉर्डरों पर ही मना रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे बच्चे भी अपना जन्मदिन यहीं आकर मनाते हैं। तो आज हम शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का जो शहीदी दिवस है टोल प्लाजा पर मना रहे हैं। 23 मार्च 1931 को शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सिंह को लाहौर की जेल में फांसी के फंदे पर लटकाया गया था। जब भी किसी को फांसी की सज़ा दी जाती है, फांसी पर चढ़ाने से पहले उसे उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। जब भगत सिंह से ये बात पूछी गई भी आपकी व्हाट इज योर लास्ट विल एंड विश, तो भगत सिंह ने बोला औरों की अपेक्षा क्या बोला, उसने ये नहीं बोला मेरी माता को बुला दो, मेरी माँ को बुला दो, मेरी बहन को बुला दो, मेरे भाई को बुला दो। उसने क्या बोला, मुझे फांसी पर लटकाने से पहले मेरे देश का तिरंगा मेरी आंखों के सामने लहरा दो। तो हालांकि ये सरकार चाहती नहीं थी गोरों की सरकार, लेकिन फिर भी उनकी आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने तिरंगा उसको लहराया। और अक्सर ज़बरदस्ती जो जलाद होता है वो फांसी जिसको दी जाती है उसके गले में फांसी का फंदा डालता है, लेकिन इन तीन शहीदों ने हंसकर अपने हाथ में लेकर फांसी का फंदा अपने गले में चूम कर डाला और वंदे मातरम के नारे लगाए और खुशी खुशी से अपनी जान दे दी। तो आज उनको सल्यूट करने के लिए, उनकी शहादत को सल्यूट करने के लिए सभी किसानों ने इकट्ठे होकर आज उनका यहाँ श्रद्धांजलि दी, उनको श्रद्धा के फूल अर्पित किए और उनसे वादा किया उसकी आत्मा से, आपकी भगत सिंह तुम्हारी सोच पे पहरा दिया गया।